लॉकडाउन 5 जारी है, यानी अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पे आने लगी है। जिंदगी के साथ साथ अब सिवान में रेलवे भी पटरी पे चलने लगी है, यानी रेल भी पटरी पे चलने लगी है और सिवान में 3 ट्रेनों का आना सुनिश्चित हुआ है। 3 मुख्य ट्रेनें सिवान में आएंगी जो अलग अलग राज्यों से आएंगी और लोग आने भी लगे हैं। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो लंबे समय के बाद इस स्टेशन पे आ रहे हैं। लगभग 2 महीने ये पूरा स्टेशन खाली रहा और उसके बाद यहाँ लोग आने लगे हैं। जो भी स्टॉल है वो स्टॉल खुलने लगे हैं। देखिए, तमाम प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, स्टॉल खुली हुई है और विशेष व्यवस्था की गई है रेलवे की तरफ से। ये देखिए, हर बोगी के सामने एक नल लगाया गया है, जो हर बोगी के सामने लगभग लगाए गए हैं। जितने भी बोगी लगेंगी उन सारे बोगियों के सामने ये नल लगा दिया गया है और सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो। नल इसलिए लगा दिया गया है कि जो लोग भी उतरें, अगर उन्हें हैंड सैनिटाइज करना है तो यहाँ कर सकते हैं, धो सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है ताकि किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। स्टेशन के बाहर निकलते ही लोगों को स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ वहाँ हैंड वॉश एंड हैंड सैनिटाइजर भी रखे गए हैं ताकि जिन्हें ज़रूरत हो वो हैंड सैनिटाइजिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे पटरी पर ज़िंदगी तो आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना, खुद को सोशल डिस्टेंसिंग में रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद सुरक्षित रहेंगे, खुद केयरफुल रहेंगे तो इस महामारी से बच सकते हैं। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश न्यूज़ व्यूज।